नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टेप्स टू गार्डन साइंस में। आज हम आपको गर्मियों वाले पौधों के बारे में बताने वाले हैं, इनकी बीजों के बारे में। ये देखिए हमारे पास ये जीनिया है, डबल मिक्स में है। ये भी बहुत ही बेहतरीन फूल देने वाला है। और ये सभी फूल हैं जो हमारे मार्च से स्टार्ट हो जाते हैं बीजों को इनका लगाना। तो आप जब भी लगाएं तो मार्च से स्टार्ट करें। ये गर्मी वाले पौधे, इनकी क्या तैयारी है, कैसे करना है, आप ये पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए और आप अपने घर में भी बहुत अच्छे बेहतरीन फूल लगा पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत है, नीम की खरी, कंपोस्ट वाली खाद और रेत, इस तरह की रेत। अगर आप गमलों में लगाते हैं तो 30% आपको ये चाहिए, चाहे आप ज़मीन में लगाएं उसके लिए भी लगभग 30% यही लीजिए रेत। और 10% आपको चाहिए है नीम की खली, ठीक है, नीम मील, नीम की खली भी कहते हैं इसे। तो 10% ये डालनी ज़रूरी है, इससे कीड़े नहीं लगेंगे आपके बीजों को। और आपको चाहिए है 30% कंपोस्ट वाली खाद, और बाकी जो 30% है वह मिट्टी आप यूज करें, इससे आपके बीज बहुत ही बेहतरीन होंगे। इसका लगाने का क्या तरीका है, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप ज़मीन को इस तरह से फावड़े से खोद लीजिए, अच्छी तरह से उसकी खुदाई करके उसकी मिट्टी को बिल्कुल नरम कर लीजिए। फावड़े से खुदाई करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस मिट्टी को एक समान लेवल में कर लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने कर रहे हैं भैया, तो वैसे आप इसको लेवल में कर लीजिए। दोस्तों मिट्टी को बराबर करते वक्त आपको इसमें जो इस तरह के ढेले होंगे उन्हें पूरी तरह से फोड़ दें, और इसके अंदर जड़ें या पत्ते वगैरह कुछ भी है तो उन्हें निकाल दें। प्लास्टिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए इसमें, ना ही पत्थर वत्थर होने चाहिए। और ये ढेले पूरी तरह से आप फोड़ लें, बारीक कर लें मिट्टी को पूरी तरह से और लेवल कर लें। एक समान करने के बाद दोस्तों इसमें देखिए इस तरह से रेत डाल दीजिए, इस तरह से आप पूरी क्यारियों में रेत डाल दीजिए। दोस्तों रेत तो हम पूरा बिखेर चुके हैं, लेकिन जो कंपोस्ट वाली खाद है इसे हम आधा ही डालेंगे, अभी आधा ही छिड़काव करेंगे, आधा बचा के रखेंगे, आधा बीज डालने के बाद भी हम छिड़काव करेंगे। उसी तरह से नीम की खली भी अभी आधी ही छिड़काव करेंगे, उसके बाद जब बीज हम डाल देंगे उसके बाद दोबारा से नीम की खली का भी छिड़काव करेंगे। दोस्तों कंपोस्ट वाली खाद और रेत छिड़कने के बाद आपको नीम की खरी डालनी है। यह नीम की खरी है, इसका भी छिड़काव ऐसे ही करना है जैसे कि हमने इनका किया है, इस तरह से इसका छिड़काव करना है दोस्तों, ताकि इसमें कीड़े ना लगें, कीड़े लगने से बच जाए। और छिड़काव करने के बाद दोस्तों अब इसे हल्की खुरपी से धीरे धीरे गुड़ाई कर देना है, बहुत गहरी गुड़ाई नहीं करनी है, हल्की सी गुड़ाई करनी है बस, ताकि ये थोड़ा नीचे पहुंच जाए। हमें बीज लगाने हैं इसलिए इसकी हल्की गुड़ाई करेंगे आप, क्योंकि हम पहले ही खुदाई कर चुके हैं, इसकी नीचे नरम मिट्टी हो रखी है। इस तरह से गुड़ाई कर लीजिए हल्की सी। दोस्तों हमें पूरी खाद नहीं डालनी है ये याद रहे, और ना ही पूरी नीम की खरी डालनी है एक ही बार में, आधी आधी डालनी है। अभी हम आधा डालकर इसकी गुड़ाई कर रहे हैं, और इसके बाद बीज डालने के बाद भी हम दोबारा से नीम की खरी और कंपोस्ट वाली खाद मिक्स करेंगे, ऊपर से डालेंगे, ठीक है दोस्तों। इसे सन गोल्ड भी कहा जाता है, इसके बीज से पहचान कराते हैं हम, गर्मियों का फूल है ये, इसके मार्च से बीज लगना शुरू हो जाते हैं, ये इस तरह के बीज होते हैं इसके। और एक और सनफ्लावर है हमारे पास, उसकी भी बीज दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये सनफ्लावर लगाने के लिए हमें टेडी बियर का इस तरह से बीज का छिड़काव करना है, थोड़ा दूर दूर, ज़्यादा पास नहीं रखना है, ये बड़े पौधे होते हैं, इसके बीज को भी थोड़ा ज़्यादा पोषण चाहिए, इसीलिए से इस तरह से लगाएं। दोस्तों ये सनफ्लावर है जो कि रशियन जेंट्स में आता है, ये फूल इस तरह से होता है इसका, रशियन जेंट्स को लगाने के लिए भी यही सनफ्लावर के उसी सनफ्लावर की तरह इस सनफ्लावर को भी लगाते हैं। बीजों को थोड़ा दूर दूर डालें, ज़्यादा नज़दीक ना डालें, देख लीजिए इस तरह से बीज को छिड़क दें। देखिए सनफ्लावर एक और हमारे पास ये है जो येलो कलर का बड़ा फूल होता है, इसके बीज भी थोड़ा देखिए अंतर हैं इसमें भी, इसको भी लगाने का यही तरीका है।
ये सनफ्लावर जो बड़े होते हैं इनको इसी तरह से लगाया जाता है। इस तरह से छिड़काव कर दीजिए बीज का। दोस्तों ये कोचिया है जिसे बुशग्रीन कोचिया कहा जाता है। इसके बीज देख लीजिए इस प्रकार के होते हैं। बहुत ही बारीक बीज है इसीलिए हमें इसे ध्यान से बोना है, ना ज़्यादा नीचे जा पाए या ना ऊपर रह पाए। इस तरह से देख लीजिए किस तरह से बोना है। देख लीजिए इसके बीज तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं लेकिन फिर भी एक अंदाजे से डालना है, ज़्यादा नज़दीक भी ना हो और ज़्यादा दूरी भी ना हो। ये सलोसिया है, इसके बीज इस तरह से होते हैं, बहुत ही बारीक बीज हैं। इसे आपको डालना है ज़मीन पे तो बड़े ध्यान से डालना है, ना ज़्यादा अंदर हो और ना ही ज़्यादा ये बाहर हो। देखिए किस तरह से डालना है, देखते हैं। इनको ज़्यादा बारीक होने के कारण नज़दीक में ना डालें, थोड़ा एक एक इंच का फासला रखें इन बीजों में, इतना रहेगा तो बहुत ही अच्छा है। डालते समय थोड़ा होशियारी से डालें इन्हें। देखिए दोस्तों ये भी सलोशिया है, इसकी थोड़ी वैरायटी अलग है, येलो कलर का है और इसके बीज सेम होते हैं। ये देखिए बीज एक जैसे होते हैं, इनको बोने का और देखभाल का तरीका एक ही जैसा है। बड़ी बारीकी से बोना है इसे, ऊपर ऊपर डालना है। बस हल्का सा जब इसे मिलाएंगे तो ज़्यादा गहराई में ना पहुँचे इसका ध्यान रखना है। पानी डालते वक्त भी ये बह ना जाए, बहुत ही बारीक है, इसका भी ध्यान रखना है। ये देखिए दोस्तों ये बालसम है, इसके फूल बहुत ही बेहतरीन होते हैं और इसके बीज देख लीजिए कि इसके किस प्रकार हैं। इसके बीज इसकी पहचान हो जाए आप लोगों को, ये देखिए ये इसके बीज होते हैं। इसको लगाने का क्या तरीका आइए देखते हैं। ये मीडियम साइज के बीज होते हैं, इन्हें बड़े ही अच्छे तरीके से बो सकते हैं हम, ज़्यादा दूरी ना रहे और हल्का फुल्का गहरा भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर नहीं रहना चाहिए ज़मीन के। यह कसमस के बीज हैं दोस्तों, ये जीनिया डबल मिक्स हैं, इसके बीज इस प्रकार हैं, देख लीजिए इसकी पहचान है। ये देखिए इस तरह के बीज होते हैं, इसको भी बड़ी हिसाब से लगाना होता है, ऊपर ना रह जाएं ये बीज। बीजों को बिखेरने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें नीम खरी और कंपोज वाली खाद इस तरह से छिड़क देनी है, मिक्स कर देनी है दोनों को। आधी हम कंपोज की खाद पहले डाल चुके थे, आधी अब बीजों को डालने के बाद लगा रहे हैं। बीजों को छिड़कने के बाद कंपोज वाली खाद और आधी नीम की खरी ऐसे छिड़क रहे हैं। दोस्तों इस तरह से आपने खाद और नीम की खरी ऊपर से छिड़कने के बाद बीजों को क्या करना है, इस तरह से मिला देना है। याद रहे कि जो गोल बीज हैं, छोटे बीज हैं, उन्हें तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा लंबे बीज रहें और नाजुक बीज रहें उन्हें ना करें क्योंकि वे टूट सकते हैं इससे। ठीक है दोस्तों, जब आप बीज को बिखेर देते हैं उसके बाद इस तरह से करना है, लेकिन ये याद रखना है बीज टूटे ना, और दूसरे नंबर बात कि वे ज़्यादा गहराई में ना पहुँचें और ना ही सतह के ऊपर रह जाएँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से करने के बाद उसे हाथ से इस तरह से मिला दीजिए, बराबर कर दीजिए। इस तरह से सभी बीज हमने कर दिए हैं। दोस्तों बीजों के लगाने के बाद देख लीजिए इस तरह से फुहारे से पानी डालना है, इस तरह से फुहारे से पानी डालना है ताकि बीज यहाँ वहाँ बह ना जाएं। थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का, बीज अगर बह जाएंगे तो सही से नहीं होंगे, वो बाहर निकल के बह जाएंगे तो चींटियाँ भी ले जाएंगी और पशु पक्षी भी ले जाते हैं उन्हें। इसीलिए ध्यान रहे जब आप पानी लगाएं तो इस तरह से फुहारा बनाकर लगाएं। पानी का छिड़काव इसी तरह से करना है ताकि बीज बह ना जाएं, और पानी से इसे एकदम तर कर देना है, भर देना है पानी से, लेकिन ध्यान रखना कि बीज ना बहें। और इसी तरह फुहारे से डालना है पानी, आप छोटे फुहारे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब पानी दोबारा इसमें डालेंगे हम, जबकि इसकी मिट्टी पीली होने लगे, सूखने लगे, जब भी हम इसमें दोबारा पानी डालेंगे 2-3 दिन बाद, इसका थोड़ा ध्यान रखना है।
रहते हैं बिल्कुल। देखिए दोस्तों, हमने ये जो बीज लगाए थे 1 मार्च को लगाए थे और आज 11 तारीख है मार्च की, और ये 10 दिन के अंदर देख लीजिए इतने अच्छे शीट्स जो हमने लगाए थे वो पूरे निकल चुके हैं, ये पौधे तैयार हो गए हैं। देख लीजिए ये सनफ्लावर का है पौधे, और इसके बाद ये भी सनफ्लावर ही है, ये है हमारा सनफ्लावर टेडी बियर बोलते हैं, सन गोल्ड भी बोलते हैं इसे, इसका फूल देख लीजिए। और दोस्तों ये देखिए जीनिया के पौधे भी निकल आए हैं हमारे, जीनिया के देख लीजिए इतने बड़े बड़े हो गए हैं, जीनिया का फूल देख लीजिए इस तरह का है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये देखिए रशियन सनफ्लावर जो हमने लगाया था, इसके पौधे भी देखिए कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। दोस्तों ये देखिए कोचिया है, इसे आने में थोड़ा टाइम लगता है, इसके पौधे अभी काफ़ी छोटे हैं, कैमरे में शायद नज़र नहीं आएंगे। ये देखिए ये जो बारीक हैं ये सब, और देखिए आगे ये कसमस है, इसके भी आ चुके हैं कम से कम ये उंगली के यहाँ तक, आप देख लीजिए काफ़ी बड़े हो चुके हैं, कुछ दिनों बाद इन्हें शिफ्ट भी कर सकते हैं हम यहाँ से अलग, इतने लंबे हैं। दोस्तों लगभग सभी बीज आ चुके हैं, और आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए और ज्ञानवर्धक बातें और सीखते रहिए और दूसरों को भी सिखाते रहिए, इसी तरह से प्रकृति को सुंदर बनाने में सहयोग कीजिए, और आशा करता हूँ आप हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को शेयर करेंगे। दोस्तों जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, और लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, उसे ज़रूर दबाएं और हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी रोचक जानकारी आप तक पहुंचा सकें आसानी से। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो।